सभी भाइयों को राम राम। एक नए ब्लॉग के साथ आपका स्वागत है भाइयों। आज मैं थोड़ा सा बाइक पे मॉडिफिकेशन कराने जा रहा हूँ। मेरा एक्चुअली जो फॉग लाइट लगी हुई थी बाइक पे, वो पहले मैंने करोल बाग से लगवाई थी, बट उसका जो माउंट था वो प्रॉपर तरीके से लगा हुआ नहीं था। तो ऑर्डर किया हुआ था काफ़ी टाइम से, तो मैन्युफैक्चरिंग होके कल मेरे को फ़ोन आया कि आ चुका है। तो आज मैं जा रहा हूँ उसको इंस्टॉल कराने के लिए, क्योंकि ट्रिप पे जाने से पहले जो जो चीज़ें सारी पेंडिंग चीज़ें मैं क्लियर कराना चाहता हूँ। तो जो मैं एक चीज़ कह रहा था लास्ट ब्लॉग में कि मेरी एक चीज़ पेंडिंग है, वो भी मे भी जल्दी हो जाएगी, तो वो यही था पेंडिंग। तो अभी जस्ट निकला हूँ मैं घर से, और अभी 12:20 हो रहे हैं। सबसे पहले बाइक में पेट्रोल भरवाते हैं। थोड़ा सा आज मौसम थोड़ा ठीक है, धूप है लेकिन थोड़ा क्लाउड्स है तो गर्मी कम है, इसलिए मैं आराम से निकला हूँ। ऊपर से राइडिंग जैकेट आज मैं इसलिए डाल के भी नहीं निकला हूँ कि गर्मी बहुत लगती है। चलिए पहले पेट्रोल भरवाते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से, करवाते हैं इंस्टॉल। निकल गया हूँ पेट्रोल भरवा के पेट्रोल पंप से। बेसिकली जहाँ पे मुझे ये इंस्टॉल कराना है माउंट, वो अपना कटारिया चौक पड़ता है गुड़गांव में। काफी टाइम से इसका वेट कर रहा था, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम राइड पे निकला था तो फॉग लाइट ने बड़ा मेरे को दिक्कत किया था इसका। वो सारा मतलब ऊपर लाइट जाता था और एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था प्रॉपर तरीके से। तो काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रहा था, तो यहाँ पे गया तो इन्होंने बोला था ये सोकर पे माउंट करा हुए से, बट इसके माउंट जो थे वो अवेलेबल नहीं थे। तो मैन्युफैक्चरिंग करा के बंदे ने मंगाए हैं, तब जाके इंस्टॉल कराते हैं। एक सीढ़ी और चढ़ते हैं आगे। हवा बड़ी अच्छी चल रही है, बट थोड़ी ठंडी ठंडी सी लग रही है, गर्मी नहीं लग रही है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि मेरा जाने का प्लान बन रहा है, तो फाइनली हमारा जो बन रहा है वो लेह लद्दाख का ही बन रहा है, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड पुणे से आना था वो आ गया। मेरा उससे डिस्कशन हुआ था, वो यही कह रहा है कि केदारनाथ नहीं चलते हैं, लेह लद्दाख चलते हैं। तो लेह लद्दाख जाने का प्लान फाइनल हो रहा है, बस उसके लिए थोड़ी प्लानिंग हो रही है कि कहाँ कहाँ रुकना है, कहाँ कहाँ जाना है, किस रूट से जाएंगे, वाया कश्मीर से जाएंगे कि वाया मनाली जाएंगे। क्योंकि मेरी प्लानिंग ये है कि हम पूरा सर्कल कवर करेंगे। जैसे कि लोग जाते हैं मनाली, तो वो क्या करते हैं ना, मनाली से लेह लद्दाख जाते हैं और वापस भी मनाली से आ जाते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करना। मुझे मैं सर्कल कवर करूँगा कि अगर वाया मनाली गया तो आपका श्रीनगर से वापस आऊँगा, और अगर श्रीनगर से गया तो वाया मनाली वापस आऊँगा और गुड़गांव। संडे को भी जाम है इतना, बताओ इंसान कहाँ निकले। एक तो कई लोग है ना अपनी बाइक का है ना ये क्लच का काम करवाते नहीं है, धुआं देती है बाइक, इतनी स्मेल आती है ना इसमें, तो क्या कहना। चलाए जाएंगे बाइक को, सर्विस कराएंगे नहीं, और फिर पोल्यूशन बढ़ाएंगे लोग। कटारिया चौक हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट, बस यहाँ से मुश्किल से मुश्किल 1 किलोमीटर बचा है। चलिए जी पहुंच गए हैं। माउंट लगवा लिए मैंने, ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा मुझे लगवाने में, बट अब बढ़िया लग रहा है।
अच्छा हुआ है काफ़ी। अब सब कुछ फाइनल हो गया है, अब बस लेह लद्दाख जाने की तैयारी है। अभी नेक्स्ट वीक तक निकल जाऊंगा मैं, क्योंकि जो फ्रेंड पुणे से है वो कह रहा है थोड़ी थकावट है, एक हफ्ता चाहिए थोड़ा रेडी होने में। मैंने कहा चलो एक हफ्ता लिया, एक हफ्ते में इतना मैं भी अपने काम निपटा लूँगा, क्योंकि वही कहते हैं कि जॉब और बिजनेस में, बिजनेस में बड़े आराम से जब मर्जी जा सकते, नहीं जा सकते भाई, बिजनेस में है ना टाइम लगता निकलने में। नौकरी में तो क्या छुट्टी ली और निकल गए, बिजनेस में ये चीज़ें नहीं है, बिजनेस में छुट्टी नहीं मिलती है अपने को। पहले मैं सोच रहा था कि घर पे चला जाऊँ दिल्ली में, लेकिन एक काम आ गया है तो इसलिए जा नहीं रहा। हल्का हल्का क्लाउडी है बट गर्मी है, उमस हो रखी है बहुत ज़्यादा। वर्कशॉप में एक घंटा बैठने में तंदूर बन गए। हल्का सा मौसम हुआ था बारिश का कि हल्की सी पड़ने लगी थी, बट फिर दोबारा गायब हो गया। मारा थी कहाँ से आ रहा बता, रॉन्ग साइड में एक से एक ऊँट बैठे हैं गुड़गांव में, एक से एक ऊँट। अब ऊँट को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता, चलिए जी हम भी ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं फ्लैट पर अपने। चलिए फ्रेंड फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, और यहाँ तक आपने अगर वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे, मेरे यूट्यूब चैनल को। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच, बाय।